17 फेब को दो मराठी मूवीज रिलीज हुई, टर्री एंड घोड़ा। अब टर्री का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एंड फाइनली मैंने देखी घोड़ा नाम की और एक मराठी फिल्म। देखो सीरियसली अगर आप एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हो जो आपके दिल को तहस नहस कर देगा, देन घोड़ा फिल्म आपके लिए बनी है। सो ये अराउंड डेढ़ घंटे की फिल्म है, यानी कि इस फिल्म का ड्यूरेशन है अराउंड 1 hour 35 minutes। एंड अगर मैं इस मूवी को एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ देन छोटा पैकेज बड़ा धमाका। ये कहानी छोटी लड़की की जो अपने पिताजी से कहता है कि उसे खेलने के लिए घोड़ा चाहिए। सुनने में तो ये विश बहुत ही कॉमन है जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे की पूरी कर सकता है, बट यार हर बार ऐसे नहीं होता। अगर गरीबी घर के अंदर हो ना फिर तो घोड़ा क्या, दो वक्त की रोटी भी मिले वो भी बहुत बड़ी बात होगी। एंड एग्जैक्टली इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखा जहाँ पे एक पिता अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किस लेवल तक स्ट्रगल करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको जरूर पसंद आएगा। तो इस फिल्म का ड्यूरेशन भले ही 1 hour 35 minutes हो बट स्टिल इस फिल्म के स्क्रीन प्ले आपको कहीं ना कहीं स्लो जरूर लगेगी। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के कंपेरिजन में सेकेंड हाफ में ऐसे कई सारे मूवमेंट्स है जहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे कि अभी तो इस फिल्म के कैरेक्टर के साथ कुछ तो अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट अभी इनकी लाइफ थोड़ी बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। बट जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ते जाते हैं वैसे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। एटलीस्ट इस फिल्म के क्लाइमेक्स में मैं सोच रहा था कि ये फिल्म गुड नोट पर एंड होगी, अच्छे नोट पर एंड होगी, बट नहीं, मेरे को इसका कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेकिंग तो दिखाना ही था। देखो कॉन्टेंट वाइज डेफिनेटली एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसको कोई वॉच नहीं कर रहा है क्योंकि हमें बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों से फुर्सत ही कहा। आता मराठीत बनले त्या फिल्मचे प्रमोशन फारसे झाले नाही, प्लस ही फिल्म सुद्धा खूप कमी बजेटवर बनली आहे, पण तरी याचं डायरेक्शन खूप चांगलं झालं आहे। या चित्रपटातील तुम्हाला एक खरेपणा दिसून येईल। इस फिल्म के ड्रामा के साथ बाकी एक्टर्स की परफॉर्मन्स भी उतनी ही इक्वली रियलिस्टिक है। स्पेशली जो छोटे कलाकार है, चाइल्ड एक्टर है, इनकी एक्टिंग के सामने तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म किड भी पानी कम चाहिए। इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक सॉन्ग है जो एक मराठी डिवोशनल सॉन्ग है जिसका नाम है टकाव टकाव जिंदगी। गाना आपको इंटरवल के बाद देखने और सुनने मिलेगा, बट इसकी जो धुन है ये पूरे फिल्म में बैकग्राउंड में बजती रहती है जो बहुत ही अच्छी है। सो लास्ट ईयर समारा नाम की एक मराठी फिल्म आई थी जिसमें एक से बढ़कर एक मराठी डिवोशनल गाने थे। एंड 2023 की अब शुरुआत हुई है टकाव टकाव जिंदगी नाम के इस मराठी सॉन्ग से जिसको गाया आदर्श शिंदे ने। सो घोड़ा नाम की एक मराठी फिल्म एक हार्ड कोर रियलिस्टिक ड्रामा वाली फिल्म है जो हिंदी में भी डब होनी चाहिए। अब यूट्यूब हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म, ये फिल्म एटलीस्ट हिंदी में डब तो होनी चाहिए ताकि मराठी के साथ साथ नॉन मराठी ऑडियंस को भी इसके बारे में पता चले। अगर आप में से किसी ने फिल्म देखी है देन आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।